Enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल स्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज इस ताज़ा तरीन एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं दक्षिण भारत के बेहद खास शहर चेन्नई में। चेन्नई में उतरता हुआ मानसून है, बारिश जोरों पर है और इसी जोरों की बारिश में शानदार मौसम में आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार प्रॉपर्टी की। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इन सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं चेन्नई के ओरागडम इलाके के रियल स्टेट मार्केट के बारे में। ओरागडम चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तेजी से उभरता इंडस्ट्रियल एरिया है। ओरागडम ग्रैंड साउथर्न ट्रंक रोड यानी NH45 और NH4 से घिरा हुआ है। ओरागडम साउथ एशिया के सबसे बड़े ऑटो और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के हब के तौर पर जाना जाता है। ओरागडम में डैमलर, अपोलो, रेनो, निशान, फोर्ड और आयसर समेत 100 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, यानी ओरागडम के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर काफी बेहतर है। इस लिहाज से यहाँ 3 लाख लोगों के रोजगार का अनुमान लगाया गया है। ओरागडम के फ्यूचर डेवलपमेंट पर नजर डालें तो चेन्नई से बंगलुरु के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनना है। श्री परम्बदूर से एन्नोर के लिए 6th लेन चेन्नई पेरिफेरल रोड बनेगी। श्री परम्बदूर में 350 एकड़ में एरोस्पेस एंड लॉजिस्टिक्स पार्क बनना है। दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और चेन्नई रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भी तैयार होनी है, जो ओरागडम को विकास के अलग ही मुकाम पर पहुंचाने का मादा रखती है। यानी वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिहाज से भी ओरागडम एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन बनने को पूरी तरह से तैयार है। इसी का नतीजा है कि यहां कई बड़े डेवलपर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। तो आज हम बात कर रहे हैं चेन्नई के बेहद खास प्रोजेक्ट हीरानंदानी पार्क के बारे में। जानेंगे इस पूरी टाउनशिप को और इस टाउनशिप की खूबियों को, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इसे बना रही कंपनी हीरानंदानी कम्युनिटीज के बारे में। महाराष्ट्र के रियल स्टेट मार्केट में हीरानंदानी ग्रुप सबसे पुराने नामों में से एक है। 1978 में शुरू हुए हीरानंदानी ग्रुप ने 1987 से रियल स्टेट सेक्टर में कदम रखा, जो आज एक बड़े ब्रांड नेम के तौर पर एस्टैब्लिश है। कंपनी की शानदार इमेज वर्किंग स्टाइल के चलते हीरानंदानी ग्रुप को देश भर के बिल्डरों का सम्मान हासिल है। अपने बेहतर काम के चलते कंपनी ने लगातार नए बेंचमार्क सेट किए। हीरानंदानी को खास पहचान मिली पवई में यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बनी टाउनशिप हीरानंदानी गार्डन से। इसके अलावा कंपनी ने ठाणे और नवी मुंबई में भी टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाए हैं। महाराष्ट्र के अलावा कंपनी ने चेन्नई और दुबई तक अपनी पहुंच कायम की है। हीरानंदानी ग्रुप का खास ध्यान हाई क्वालिटी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहता है, जिसकी वजह से आज कंपनी ग्राहकों की पसंदीदा रियल स्टेट कंपनी बन चुकी है। हीरानंदानी पार्क, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस 400 एकड़ की टाउनशिप में ज्यादातर हिस्सा ग्रीन है, खुलापन है, हर तरह के फ्लैट ऑप्शन यहाँ पर है, यानी हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग और प्लॉटेड डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरी टाउनशिप का जो मेन फोकस है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर है। इसके अलावा अगर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं तो चेन्नई का सबसे लंबा यानी 250 मीटर का ड्राइविंग रेंज का जो गोल्फ कोर्स है वो यहीं हीरानंदानी पार्क में है। और क्या कुछ खास है इस टाउनशिप में, एक नजर हीरानंदानी पार्क पर। मॉडर्न टाउनशिप हीरानंदानी पार्क को करीब 400 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। इसे कई फेज में प्लान किया गया है। पहले फेज में 12 LRB यानी लो राइज बिल्डिंग और 10 HRB यानी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। दूसरे फेज में प्लॉटेड डेवलपमेंट किया जा रहा है। पहला फेज पूरी तरह से बन चुका है, जिसे 40 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ 2.5 और 3 BHK के करीब 1500 घर हैं, जिनमें 1200 से ज्यादा घर बिक चुके हैं। 250 से ज्यादा परिवार यहाँ रह भी रहे हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट टीयरा यानी दूसरा फेज 2 पार्ट में प्लान किया गया है। पहला हिस्सा 10 एकड़ का है, इसमें 1200 वर्ग फीट से लेकर 3600 वर्ग फीट तक के प्लॉट रखे गए हैं। टीयरा का दूसरा फेज 35 एकड़ में है, जो कि प्लानिंग और मंजूरी के स्तर पर है। हीरानंदानी पार्क की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस के अलावा हॉर्स राइडिंग जैसे यूनिक स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ मिलते हैं।
55 एकड़ में फैला 9 होल गोल्फ कोर्स 250 मीटर ड्राइविंग रेंज में है, जो कि चेन्नई का सबसे लंबा ड्राइविंग रेंज है। वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट समेत हीरानंदानी पार्क में ग्रीनरी और खुलापन इतना ज्यादा है कि आपको यहाँ किसी 7-स्टार रिजॉर्ट का एहसास होता है। इन्हीं सब वजहों के चलते जापानीज, कोरियन और दूसरे कई देशों के लोगों के लिए हीरानंदानी पार्क पसंदीदा आशियाना बन चुका है। तो अब बारी है हीरानंदानी पार्क्स के आलिशान शो फ्लैट को देखने की। ढेर सारे ऑप्शन हैं यहाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, लो राइज बिल्डिंग्स भी हैं और ढेर सारे प्लॉट्स भी हैं, लेकिन हम जो शो फ्लैट देखने वाले हैं वो लो राइज बिल्डिंग बकिंगहम का शो फ्लैट है। करीब 1778 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया में इसे बनाया गया है। तो चलिए जायजा लेते हैं और देखते हैं कैसा है ये शो फ्लैट। तो ये है आलिशान 3 BHK शो फ्लैट। ये फॉयर एरिया है, करीब 7.5x5 स्क्वायर फीट के एरिया में इसे प्लान किया गया है। इस फॉयर एरिया को अगर आप देखिए तो डार्क कॉफी कलर में वुडन के बेस पर इसे डिजाइन किया गया है। फॉयर एरिया के ठीक बगल में ये स्टडी रूम दिया गया है। इसके डायमेंशन की अगर बात की जाए तो वो करीब 14x9 स्क्वायर फीट है। इस कमरे का इस्तेमाल आप कई तौर से कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो सर्वेंट क्वार्टर भी बना सकते हैं। स्टडी रूम ऑलरेडी ये है ही, इसे छोटा फैमिली रूम भी आप बना सकते हैं और साथ ही अपने ऑफिस के काम भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। छोटा सा सोफा रखा गया है। सोफे के पीछे अगर आप देखते हैं तो वुडन वर्क किया गया है, दीवारों पर वॉलपेपर लगे हैं। सोफा के ठीक सामने की ओर ढेर सारी कैबिनेट्स बनाई गई हैं। इन कैबिनेट्स में ही टीवी इंस्टॉल किया गया है, स्टडी टेबल है और काफी कुछ इस कमरे को इस्तेमाल के लिए आसान बनाया गया है। अब बारी इस घर के लिविंग एरिया की। यह है इस घर का आलिशान लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया के डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो है करीब 16x14 स्क्वायर फीट। इस पूरे पोर्शन में काफी बड़ा सोफा लगाया गया है। सोफा के ठीक सामने वुडन बेस पर कैबिनेट बनाई गई हैं। टीवी दीवार के अंदर ही इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक नायाब आर्किटेक्ट का काफी अच्छा नमूना है। साथ ही अगर आप देखिए तो वुडन का जो कॉफी बेस कलर है वो बड़ी अच्छी तरह से यूज किया गया है। आधी दीवारों पर वॉलपेपर है तो आधी दीवार पर वुडन बेस पर डिजाइन किया गया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में पूरी तरह से इटालियन मार्बल का यूज किया गया है। कमरा तरोताजा रहे, दिन की रोशनी बरकरार रहे, इसलिए फ्लोर से करीब 7 फीट हाइट की फुल ग्लास स्लाइडिंग विंडो दी गई है और इस विंडो से आपको नजर आता है शानदार लॉन का एरिया। डाइनिंग एरिया को काफी अच्छी तरह से प्लान किया गया है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो वो करीब 12.5x10 फीट है। 6 चेयर डाइनिंग टेबल यहाँ पर प्लेस की गई है और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल टू सीलिंग एल शेप में कॉफी कलर में वुडन डिजाइनिंग की गई है। डाइनिंग पोर्शन के ठीक सामने अगर आप देखिए तो पूजा के लिए स्पेस दी गई है। काफी अच्छी, काफी बड़ी स्पेस है। इस जगह का इस्तेमाल आप पूजा रूम के तौर पर कर सकते हैं, छोटा सा टेंपल बना सकते हैं। तो यह है इस घर का फुल्ली मॉड्यूलर किचन। इस किचन के डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो करीब 14x9 फीट है। इस किचन में दो तरफ प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे किचन में वाइट बेस प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल जो फ्लैट होगा वो इतना फर्निश्ड नहीं होगा और जो प्लेटफॉर्म होंगे वो आपको ब्लैक ग्रेनाइट के दिए जाएंगे। यहाँ दोनों तरफ प्लेटफॉर्म में कैबिनेट बनाई गई हैं, ढेर सारी स्टोरेज है और वाइट गुड्स के लिए भी आपको स्पेसिफिक जगह बनाकर दी गई है। फ्रिज के लिए काफी बड़ा एरिया है, यानी आप जैसा भी फ्रिज चाहे यहाँ पर, डबल डोर, सिंगल डोर, वो सभी तरह के फ्रिज को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको इस शो फ्लैट के बेडरूम्स को किस तरह से डिजाइन किया गया है, बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल स्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम चेन्नई में हैं और चेन्नई में हम आपको दिखा रहे हैं हीरा नंदानी पार्क्स का शो फ्लैट। आधा शो फ्लैट आप देख चुके हैं और अब बारी है इस शो फ्लैट के बेडरूम्स को देखने की। इन बेडरूम्स में जाने के लिए आपको मिलता है काफी चौड़ा, करीब 3.5 फीट चौड़ा ये पैसेज। इस पैसेज में ही आपको एक तरफ यूटिलिटी एरिया दिया गया है। यूटिलिटी एरिया में वॉशिंग मशीन रखी गई है, साथ ही अगर आप चाहें तो इसको स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरी पैसेज एरिया में ही अगर आप देखिए तो फ्लोर पर इटालियन मार्बल लगाया गया है, जैसा कि लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आपको मिलता है। मास्टर बेडरूम की शुरुआत होती है करीब 3.5 फीट के पैसेज से। पैसेज से होते हुए आप अंदर आते हैं और आपको नजर आता है शानदार मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में फुल साइज बेड लगाया गया है। बेड की बैक वॉल को अगर आप देखते हैं तो करीब 3 फीट तक कुशन वॉल के तौर पर इसे डिजाइन किया गया है। बेड के सामने काफी अच्छी तरह से स्टोरेज को प्लान किया गया है। दीवार में ही वॉल माउंटेन टीवी लगाया गया है और साथ ही ढेर सारी शेल्फ आपको नजर आती है। क्रॉस वेंटिलेशन की भी यहां पर कोई कमी नहीं। अगर आप देखते हैं तो आपके बेड के बाईं ओर फुल हाइट ग्लास डोर है जो कि आपको बाहर का शानदार हरा भरा नजारा दिखाते हैं। मास्टर बेडरूम के एंट्री पैसेज में ही इस बेडरूम का आलीशान बाथरूम दिया गया है जो कि काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इस बाथरूम के अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो करीब 5.5 बाई 8.5 फीट है। यह है इस घर का किड्स बेडरूम। इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो करीब 14 बाई 12 स्क्वायर फीट है। किड्स बेडरूम को भी ब्राइट कलर में यूज किया गया है, लेकिन अगर आप एक चीज पर गौर करें तो दीवारों पर वुडन का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से किया गया है, यानी दीवारें जो हैं ज्यादातर वुडन बेस पे रखी गई हैं। किड्स बेडरूम में बीचों बीच स्टैंडर्ड साइज बेड है। बेड के ठीक सामने ढेर सारी शेल्फ है, जैसे कि अभी आपने मास्टर बेडरूम में देखी थी। स्टडी टेबल है और साथ ही दीवार पर टीवी माउंटेन किया गया है। फ्लोर की अगर बात की जाए तो इस कमरे के फ्लोर पर विट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। किड्स बेडरूम के साथ ही काफी बड़ा बाथरूम दिया गया है जो कि अमूमन आपको किड्स बेडरूम में बाथरूम नजर नहीं आता है, लेकिन यहां पर है। डायमेंशन की अगर इसकी बात की जाए तो वो करीब 5 बाई 7 फीट है। किड्स बेडरूम के बाद अब बारी आती है इस घर के तीसरे कमरे की, यानी गेस्ट बेडरूम की। यह है इस घर का तीसरा कमरा, यानी गेस्ट बेडरूम। इस कमरे के डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो भी करीब मास्टर बेडरूम जितना ही है, यानी करीब 12 बाई 14 स्क्वायर फीट। इस कमरे को अगर आप देखते हैं तो सामने आपको ठीक स्टैंडर्ड साइज बेड नजर आता है। बेड की बैक वॉल को काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। करीब 2 फीट तक कुशन बेस मिलता है और उसके बाद पूरी वॉल को डिजाइनर वॉल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वॉल पेपर्स लगाए गए हैं। बेड के सामने अगर आप नजर डालते हैं तो बिल्कुल दूसरे कमरों की तरह ही ठीक ठाक स्टोरेज है। दीवार पर टीवी है और दीवारों पर चारों तरफ अगर आप नजर डालते हैं तो काफी अच्छी तरह से लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस घर को एक यूनिक लुक देता है। तो ये देखा आपने चेन्नई के हीरा नंदानी पार्क्स का आलीशान शो फ्लैट, लेकिन अभी भी हीरा नंदानी पार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानना रह गया है जिसको हम विस्तार से जानेंगे ब्रेक के बाद हीरा नंदानी कम्युनिटीज के CMD निरंजन हीरा नंदानी से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट की खास शख्सियत निरंजन हीरा नंदानी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा ओरा गैडम किस तरह की लोकेशन है?
जैसे आप देखेंगे हम जहां भी प्रोजेक्ट्स बनाए शहर के थोड़ा हटके होते हैं। पवई था, एकदम शहर के बाहर गिना जाता था 25 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी, तो लोग बोलते थे वहां जाके हम पिकनिक ही करेंगे, वहां रह नहीं सकते। लेकिन आज पूरी बस्ती बस गई है और उसके हिसाब से वर्ल्ड क्लास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई। ऑर्गेडम वैसे ही चुना गया है क्योंकि वो 350 एकड़ में है और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में हमने उपस्थित किया है वो है वर्ल्ड क्लास। देखिए हर एक प्रोजेक्ट में एक अलग सा हम अट्रैक्शन देते हैं और जहां हम देखें कि आप तमिलनाडु या चेन्नई में देखेंगे तो स्पोर्ट्स के लोगों में बहुत ही रुचि है, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह में नहीं है, कहां भी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि यहां एक प्रोजेक्ट का जो आकर्षक हम सेकेंडरी आकर्षक करना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर हमने काफी दिया है, स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों पर। तो स्पोर्ट्स में हमने गोल्फ कोर्स भी बनाया है, टेनिस कोर्ट्स भी हैं, 2 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स हैं, बास्केटबॉल है, स्क्वाश है, टेनिस है, वगैरह वगैरह सब है, पोलो का भी इंतजाम किया है, राइडिंग भी है। तो अंदाज से हम ये देख रहे हैं कि आप वहां जाएंगे तो एक नया किस्म का एक माहौल बना है और वो स्पोर्ट्स और एजुकेशन के ऊपर निर्भर है। हीरानंदानी पार्क में आप किस तरह के ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं? अलग अलग ग्राहक हैं हमारे यहाँ, आप देखेंगे वर्कर्स भी हैं वहाँ, सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, सीईओस कंपनीज के भी हैं, मालिक भी रहते हैं, बिजनेस हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, तो अलग अलग किस्म के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वहाँ। फैक्ट्रीज में काफ़ी नॉन रेजिडेंट्स हैं, फॉरेनर्स हैं, कोरियन के लोग हैं, जापानीज लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में रहें तो ऑर्गेडम में हीरानंदानी पार्क्स में ही एक सही जगह है कि कोरियन लोग रह सकते हैं। प्राइस हर प्रॉपर्टी के लिए सबसे अहम होता है, तो हीरानंदानी पार्क में प्राइस क्या है? वो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल बन गया है। हम वहाँ प्लॉट्स भी करते हैं तो 2000 रुपये फुट के अंदर हमने दिया है, फ्लैट्स जो जा रहे हैं वो 3500 रुपये स्क्वायर फुट में चल रहे हैं और ऑफ कोर्स अपवर्ड्स, तो अलग अलग किस्म के और अलग अलग हैं। हम रो हाउसेज ऑफ विलाज भी हैं जहां 6000 रुपये भी स्क्वायर फुट में जा रहे हैं, तो वो प्राइस पॉइंट तो अलग हैं लेकिन अलग अलग लोगों की प्राइस पॉइंट्स में बजट में फिट हो जाता। इसके बाद सर एक क्वेश्चन थोड़ा रियल स्टेट मार्केट से, जब से रेरा है, GST आया है, उसके बाद से आप रियल स्टेट मार्केट को किस तरह से देखते हैं और साथ ही आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स पहले तो बहुत कठिन था, इमीडिएटली डीमोनेटाइजेशन के बाद और GST आने के बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, लेकिन आज की तारीख में फिर वो सिचुएशन नहीं रहा और लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो करेक्शन होना था वो हो गया है। और मेरे अंदाज से आज की तारीख में जितने भी लोग आ रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस से खरीदी करने के लिए आ रहे हैं। चेन्नई, पनवेल और थाने के बाद से आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हम तो काफ़ी एम्बिशन रखते हैं, चेन्नई, पनवेल और जो हमारे प्रोजेक्ट्स करंट जो हैं पवई और थाने के हैं, और उसके अलावा हम खंडाला करना चाहते हैं, अहमदाबाद करते हैं, अलीबाग है, पूना है, तो नासिक में करना चाहते हैं। एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहां हम लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और फैक्ट्रीज का भी करना चाहते हैं पूना में अलग सा प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स हम शुरुआत कर रहे हैं और मेरे अंदाज से लगभग 4 नए प्रोजेक्ट्स 2018 में शुरुआत हो जाएंगे। रियल स्टेट के तो सर आप बादशाह हैं, इसके अलावा अगर किसी और क्षेत्र में जाने की बात कहें तो वहाँ की कुछ प्लानिंग्स हैं? मैं तो टाउनशिप में ही और उसके ही जो माहौल में सब बनते हैं वो मैं करता हूँ, जैसे होटल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, स्कूल्स करते हैं, पर ये टाउनशिप्स के अंदर हम बंद कर रहे हैं ज़्यादातर, रिटेल भी हम करते हैं पर हमारे टाउनशिप्स में। लेकिन इसके अलावा मेरे बेटा है जो आज के तारीख में LNG टर्मिनल एक जयगढ़ में कर रहा है, पाइपलाइन रहा है, सस्ता गैस यहाँ हिंदुस्तान में लेके आएगा और पूरे एनर्जी का कॉस्ट और फैक्ट्रीज का जो गैस खरीदने का कॉस्ट कम हो जाएगा उस हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं, और मई 1 को वो उनकी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और
शायद गैस के दाम उनके कारण कम हो जाएगा हिंदुस्तान में, तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। इस वक्त सर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी है, सरकार भी मदद कर रही है, तो ऐसे में क्या कोई स्पेसिफिक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लाने का प्लान है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हर एक प्रोजेक्ट में अफोर्डेबिलिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं। कभी भी ऐसे हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं कि सिर्फ ही अमीरों के लिए है, ऐसी बात कभी नहीं रही। पवई में देखेंगे तो हम यहाँ भी हम 1000 रुपये फुट में भी हमने फ्लैट बेचे हैं, थाना में भी 1200-1300 में हमने फ्लैट बेचे थे। तो हर एक नए प्रोजेक्ट जो शुरुआत होते हैं वो सब अफोर्डेबल हो जाते हैं, फिर वो रीसेल में अनअफोर्डेबल हो गए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और आगे और ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो बेनिफिट सरकार दे रही है बायर को इस क्षेत्र में, वो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जी, जिनसे हमने हीरानंदानी पार्क के बारे में जाना और इसके अलावा बहुत सारी बातें की। इसी तरह से अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे कोई और शख्सियत रियल स्टेट से जुड़े हुए और आपको दिखाएंगे कोई और शानदार प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Innovate. Enable.